हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ माय रनिंग डे और आज मैं जा रहा हूँ इंडिविजुअल रनिंग, कोई मेरे साथ है नहीं। प्लेस अभी डिसाइड है बट कंफर्म नहीं, वहाँ तक पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा तो लेट्स सी कहाँ तक की रनिंग होती है, क्योंकि अकेले रनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मे बी शायद जब से स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, देखते हैं। जो लास्ट है उससे ट्राई करूँगा ज़्यादा ही करूँ। जो फर्स्ट मैंने करी थी 10, फिर 14, फिर 15 एंड 17, अब इससे ज़्यादा का ही ट्राई है। बट एक्चुअली पता नहीं कहाँ तक जाऊँगा, लेट्स सी। सुबह के 6 बज गए हैं, अब रनिंग स्टार्ट करूँगा और अकेले रनिंग। रनिंग स्टार्ट, पीरागढ़ी स्टार्ट करी मैंने, अब देखते हैं कहाँ तक रनिंग मिली जाती है। पंजाबी बाग पहुंच गया हूँ मैं और यहाँ से अब टर्न ले रहा हूँ राइट और रोशनी भी हो गई है। कंटिन्यू बस रनिंग कर रहा हूँ और नाउ रीच नारायणा और मेरे 10 किलोमीटर की रनिंग हो गई है और अभी यहाँ से जाए जा रहा हूँ सीधा मे भी ढोलकवा तक, फिर उससे आगे पता नहीं मतलब कहाँ तक पहुँचता हूँ। बट हाँ, अकेले रनिंग में आज मज़ा आ रहा है और फोकस है, मतलब सिर्फ अपने पे कंसंट्रेशन है, कंटिन्यू रनिंग हो रही है। ग्रुप पे ये है कि जब मैं ग्रुप में करता था डिस्टेंस का पता नहीं, तो बातों में हो रहा टाइम पास, यहाँ पे सिर्फ ये खुद पे फोकस है। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की बहुत नीड पड़ती है कि आप फोकस रहो, और आपने अब एक गोल डिसाइड कर लिया है तो उसके लिए बस फोक के हाँ भी रनिंग करनी है, अब पहुँचना है, तो अलग ही मोटिवेशन रहता है कि हाँ अब हो गया स्टार्ट, रुकना नहीं है। तो बस उसी जब रनिंग करे जा रहा, अगर आप भी कोई रनिंग करो तो हमेशा एक गोल डिसाइड करो और बस फोकस सिर्फ उसी पर रखो। अब मेरे 10 पूरे कंप्लीट हो गए, चलिए करते हैं अभी स्टार्ट। रही ओके, अब मैं पहुंच गया हूँ ढोलकवा। यहाँ पे अंडरपास रनिंग हो रही है, ये नीचे से रास्ता। ओह माय गॉड, पूरा यहाँ पे अंडर कवर है, ऊपर 14 किलोमीटर हो गए यहाँ पे टोटल रास्ता मेरे यहाँ तक आने तक का। ओह माय गॉड, नाइस रनिंग। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू रनिंग करूँगा, सीधी रखूँगा, कोई टर्न नहीं। साउथ कैंपस मोती नगर दो भी बिका जी का वहाँ पे लिस्ट तक, उसके आगे पता नहीं कहाँ से जाऊँगा पर मैंने तो डिसाइड किया है भाई यहाँ तक कि हाँ भाई मैं कुतुब मीनार तक करूँगा रनिंग आज। जो अराउंड मतलब चेक किया 26 किलोमीटर है, लेट्स सी
पहुँचते हैं कहाँ तक। ओके बाय। सेवनटीन किलोमीटर डन, सुपर हो गया। अब मैं आ गया यहाँ पे हयात होटल के पास और अब यहाँ से फ्लाईओवर से मैं लूँगा राइट टर्न और फिर वहाँ से कुतुब मीनार के लिए। लास्ट टाइम की जो रनिंग करी थी इंडिया गेट 17 किलोमीटर थी, उससे प्लस हो गया, मतलब ज़्यादा रनिंग होगी इस बारी। तो हाँ अब और आगे जाएंगे। ओके 21 किलोमीटर डन और मैं आ गया हूँ होज का रोज़ गार्डन यहाँ पे पास में, इसके साथ से रनिंग कर रहा हूँ अभी मैं। और यहाँ से मेरे मुश्किल से थोड़ा कब पास ही रहेगा, टोटल मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर है। तो स्टेट जाके फिर राइट फिर सीधा, थोड़ी देर पहले चेक किया था तो अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास रहता था। और अब बस पहुँचने वाला हूँ, 20 किलोमीटर से ऊपर हो गया, थोड़े पैर बस हैवी हुए हैं बट इतना कुछ वो नहीं है, एकदम अपना मेंटेन कर रखा है और कंटिन्यू चल रहे हैं। ओ व्हाट्सअप, अब मे बी शायद 2 किलोमीटर से भी कम रह गया है बट हाँ अब आई फील टायर्ड, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, पैर काफ़ी हैवी हो गया और रनिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है बट ये यहाँ पास है तो नो गिव अप और कंप्लीट करना है, इसी में भाग रहा हूँ। बस लास्ट लगभग 1 किलोमीटर और मेरी रनिंग हो जाएगी कंप्लीट। सो कहाँ वन फाइनली मेरी रनिंग कंप्लीट कुतुब मीनार से और मेरी रनिंग पूरी कंप्लीट हुई है 24.5 करके और शायद 3 घंटे मैंने रनिंग करी कंटिन्यू तो यहाँ पहुँचा। सो अच्छा रहा, अब नेक्स्ट रनिंग में मिलेंगे, पता नहीं कहाँ तक की रनिंग करेंगे, नो आइडिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अगर पसंद आती है मेरी वीडियोस वर्कआउट वीडियो तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.